अब बात करते हैं सतना की, जहां जिले की 3 जनपद पंचायतों की 259 ग्राम पंचायतों में 25 जून को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया गया है। सामग्री लेकर मतदान दल अपने अपने कर्तव्य स्थल यानी मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने लगे हैं। कलेक्टर SP ने सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचकर काम का जायजा लिया और मतदान दलों को निष्पक्ष एवं भयमुक्त होकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। सतना जिले की उचेहरा, सोहावल व मझगवा जनपद पंचायत में 25 जून को पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए 259 ग्राम पंचायतों में 868 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,89,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पंचायत प्रतिनिधि चुनेंगे। शुक्रवार की सुबह सोहावल, उचेहरा व मझगवा जनपद मुख्यालय से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जाने लगा। मतदान सामग्री के साथ मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना भी होने लगे हैं। ये दल 25 जून को मतदान और पंचायत के पंच सरपंच पद के मतों की गणना कराने के बाद वापस जनपद मुख्यालय लौटेंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा, SP आशुतोष गुप्ता एवं CEO डॉक्टर परीक्षित राव ने निर्वाचन सामग्री वितरण स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मतदान दल में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों को ब्रीफ किया। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने उन्हें भयमुक्त रहकर निष्पक्षता से निर्वाचन कार्य पूर्ण कराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही यह हिदायत भी दी कि जिस गांव के मतदान केंद्र में उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वहां अगर कोई परिचित अथवा रिश्तेदार भी हो तो उससे दूरी बनाए रखें, किसी के भी यहां रुकने ठहरने ना जाएं, वहीं ठहरे जहां प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था की गई है। बारिश के मौसम में मतदान दलों को उनके ठहरने के स्थान पर इस बार खटिया तखत मिलेंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मतदान कर्मियों ने मांग उठाई थी कि बारिश में ग्रामीण क्षेत्रों में जीव जंतुओं का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए ये प्रबंध किए जाएं। उचेहरा में SDM HK ध्रुवे, मझगवा में SDM PS त्रिपाठी तथा सोहावल में SDM सुरेश कुमार गुप्ता की मौजूदगी में सामग्री वितरित की गई। मतदान दलों को उनके कर्तव्य स्थल तक ले जाने के लिए बसों का प्रबंध किया गया है। विराट 24 की सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। एक लोकतंत्र का उत्सव है और हम सभी की सहभागिता से हम उसे संपर्क करते हैं। सारी पोलिंग पार्टियों से एक निवेदन ये रहेगा, क्योंकि सभी लोग लोकल के होते हैं, आप लोग के रिश्तेदार में हो सकते हैं, जिस गांव में आप लोग जा रहे हो, बट रुकना आपके पोलिंग स्टेशन पे ही है। अदरवाइज वो फालतू की शिकायत एलिगेशन होता है, आप करते कुछ भी नहीं हो, फिर भी लोग शिकायत करते हैं कि आपने उनका फेवर किया क्योंकि आप उनके घर से रुके हुए थे। वैसी कोई भी एक्टिविटी मत करिएगा, पोलिंग बूथ पर ही आप लोग रुकेंगे और पोलिंग बूथ पर एक्टिविटी कराएंगे, सभी लोग बिना बैंक के बिना पशुपाल के कराएं।